यूपी में तो ग्राउंड आप ग्राउंड रियलिटीज बता रहे, उज्ज्वला स्कीम है और टॉयलेट्स बना रहे, ग्राउंड में तो कई सारा काम चल रहा है। लेकिन तेलुगु स्टेट्स में I'll quote some KTR tweet also. I mean, you responded for that, right? Dr. Lakshman जी कुछ आर्टिकल लिखा है फॉलो यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस बोल के, उन्हें KTR ट्वीट किया कि व्हाट ए जोक, यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस वेयर चिल्ड्रन डाई फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वेयर फार्मर्स आर ट्रैम्पल्ड बाई people in power, and where people are reeling under power outages and suffer for lack of clean drinking water. That's what BJP wants to do in Telangana. This is what KTR's question, and you also responded well. KTR garu, you seems to be a young and sensible leader, but I guess your team is misleading you. This is what you mentioned, right? Do join in Hyderabad for the book launch. Like you, I wanted to invite him to my launch. He just, I'm like, hear the truth, right? Don't hear some tweet here, some tweet there. Someone who is very malicious want to. You are a good leader. Try to imitate. In fact, copy a lot of things that Yogi Adityanath has done. Yeah, maybe he's at an advantage because historically Hyderabad and this region was quite developed compared to UP. I agree to that, right? Because UP was managed by someone like Akhilesh Yadav, someone like Mulayam Singh Yadav, someone like Mayawati. Yes. So UP में कोई low hanging fruit ही नहीं है. Low hanging fruit is also very high. So if you compare Telangana and Uttar Pradesh, I'm sure Telangana would be higher. But you compare delta in Uttar Pradesh, like what has improved in Telangana in last 5-7 years and what has improved in Uttar Pradesh in what last 5 years. UP will be way ahead. You know, UP is second in ease of doing business. Okay. हम लोग इस पैरामीटर में सोच ही नहीं सकते थे. Ease of doing business में हमारा क्या प्रॉब्लम, हमारा तो केवल क्राइम में नंबर 1 रहना अपने को, वो हमारा एम रहता था 2017 से पहले. आर चीफ मिनिस्टर्स यूज्ड टू से, मुलायम सिंह यादव का पब्लिक स्टेटमेंट है, लड़के हैं गलती हो जाती है, फांसी दोगे क्या? कैन यू इमेजिन? लड़के ऐसा ही करता है, लड़के ऐसे ही करते हैं. मतलब दिस इज ही सेइंग आफ्टर अ हीनियस रेप क्राइम. मतलब कितना ऑडेसिटी है कहने का. उसके बाद भी ही इज रनिंग हिज पॉलिटिक्स. अखिलेश यादव ऑन कैमरा यूज्ड टू से थोड़ी चीटिंग मैंने भी करी थी एग्जाम में, चीटिंग में क्या है, सब चीटिंग कर सकते हैं. मतलब ये एक चीफ मिनिस्टर, एक यंग चीफ मिनिस्टर हु इज एजुकेटेड इन अ बिग रैली ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, ही दिस इज हिज मैसेज टू द यंग पीपल दैट चीटिंग से पास हो जाओ. कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द इथॉस ऑफ सच अ स्टेट, जहां का एक चीफ मिनिस्टर, प्रीवियस चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, मतलब यू कैन डू क्राइम, नथिंग विल हैपन टू यू, राइट? एंड दूसरा चीफ मिनिस्टर, यंग चीफ मिनिस्टर, एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर, वो कह रहा है चीटिंग से पास हो जाओ. एक वुमन पत्रकार उनके पास आती है जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि सर वहां पे रेप हुआ है, वहां पे रेप हुआ है. शी इज कोटिंग 5-6 इंस्टेंस. यू नो व्हाट इज हिज रिप्लाई? अखिलेश यादव आपके साथ तो नहीं हुआ ना? कैन यू इमेजिन? मतलब कितना ब्रेजन है वो कि आपके साथ तो नहीं हुआ ना, मतलब आप तो ठीक है ना, व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो मतलब उनके लिए दिस गवर्नमेंट एंड ऑल इज एंटाइटलमेंट कि मेरा है, मेरे बाप का सरकार है, मैं चलाऊंगा. जर्नलिस्ट तुम कौन हो, ऐसे चलाया उन्होंने सरकार ना. एंड अभी देयर इज अ चीफ मिनिस्टर हु मीट्स 200-300 पीपल इन जनता दरबार एवरी डे सुबह, बिकॉज हिज डे स्टार्ट्स वेरी अर्ली, राइट? मतलब अखिलेश यादव का पहला फोन आता था ब्यूरोक्रेट्स के पास 1 बजे 2 बजे, यहाँ पे 7:30-8 बजे पूरा ऑफिस शुरू हो जाता है. सो ये योगी के होने का फायदा भी होता है. सो व्हाट इज योर एग्जैक्ट रिस्पॉन्स? मीन ही कोट्स दैट यूपी मॉडल में तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, फार्मर्स बिना पावर के वो जी रहे, ऐसा हो रहा है. सो ऑक्सीजन, फार्मर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं. सो आई थिंक रिस्पॉन्स टू ऑल थ्री. जैसे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट बनी 2017 में, विदिन 3 मंथ्स गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है, BRD हॉस्पिटल, उसमें ऑक्सीजन की कमी से कुछ बच्चे मरे, ऐसा न्यूज़ चला. बाद में रिपोर्ट आया कि वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे थे. एंड दैट वॉज ओनली 3 मंथ्स इन टू द गवर्नमेंट, राइट? आप कुछ भी सोचिए, आप गवर्नमेंट में आ रहे हैं 3 मंथ्स, 2-3 मंथ हुए हैं, यूपी स्टेट. आपको लगता है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय क्रिएटेड है वो किसकी जिम्मेदारी है? उसकी, योगी आदित्यनाथ की और प्रीवियस गवर्नमेंट की. विदिन 3 मंथ्स, आफ्टर 3 इयर्स योगी आदित्यनाथ कैनॉट से कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है. विदिन 3 मंथ्स ठीक है हुआ, सम चिल्ड्रन डाइड, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड वो क्यों मरते थे? जैपनीज एंसेफेलाइटिस के थ्रू. एक बीमारी है, जापानी बुखार, दिमागी बुखार, उसके अलग अलग नाम है. देन व्हेन आई सर्च्ड, योगी आदित्यनाथ हैज आस्क्ड द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट अबाउट जैपनीज एंसेफेलाइटिस और मोर देन 2 डजन टाइम्स व्हेन ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन. बट समवन लाइक अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर इट, राइट? उनको मालूम ही नहीं था ढंग से बीमारी क्या है. जब चैनल में डिबेट हुआ उस दिन, जर्नलिस्ट वर नॉट एबल टू से दैट वर्ड, थोड़ा सा मुश्किल है. जैपनीज एंसेफेलाइटिस, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, राइट? एंड योगी आदित्यनाथ नोज दिस टॉपिक फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, राइट? एज सुन एज उनका गवर्नमेंट आया, विद इन 1 ईयर पूरे रीजन में ऑलमोस्ट इन 11 डिस्ट्रिक्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी वैक्सीन में के पैकेज में आ गया। सारे उसके कैंपेन चले। यूनिसेफ सेड कि इतना बड़ा कैंपेन हमने कभी नहीं देखा है, एंड थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स दैट यूज्ड टू हैपन एवरी ईयर बिकेम अंडर 15. Those are also unfortunate, लेकिन from 1000 to number 50, that's why UNICEF gave a loud applaud, right? So someone like KTR should know all of this, right? कहीं से छोटा सा पढ़ लिया, वो कफील अहमद आजकल नेता बन गए, डॉक्टर थे वो नेता बन गए, वो 4-5 जगह कुछ झूठ सच बोल देते हैं, KTR उसको सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट्स नॉट ऑफ हिज नेचर। वो ट्वीट ना वैसा ट्वीट है, वो ट्रोलर टाइप का ट्वीट है उनका ना मतलब आई फाइंड हिम, दो आई मे नॉट एग्री विद आइडियोलॉजी बट आई फाइंड हिम एज स्मार्ट पॉलिटिशियन, राइट? शुड नॉट लाइक गेट हिज नॉलेज, हिज पॉलिसी नॉलेज फ्रॉम ट्रोलर्स, राइट? ही शुड गेट फ्रॉम लाइक सीरियस लिटरेचर, लाइक व्हाट आई हैव डन। फार्मर्स पे आते हैं। पहली बार फार्मर्स को रात में नहीं उठना पड़ता है। पहले आपको यूपी में था सिंचाई, जो पानी देना, कब पानी देते थे वो लोग रात में 1 बजे उठ के, क्योंकि तभी लाइट आती थी। ओह माय गॉड। हाँ, और रात में 1 बजे उठने का मतलब क्या है? नाइट इज लिटिल ट्रिकी ना, आपको सांप भी काट सकता है, बिच्छू भी काट सकता है, कोई चोरी भी हो सकती है, कोई डकैत भी आ सकता है। दैट वाज देयर। ठंड भी होती है, यूपी इज वेरी कोल्ड, राइट? सो रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच में लाइट जाके उनको देना पड़ता था। अभी वो जब भी उठते हैं पानी देते हैं। इट्स 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। आई डोंट नो व्हाट इज ही कोटिंग। पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था 16,000 मेगावाट इन होल ऑफ यूपी। नाउ दैट हैज बिकम टू 25,000 मेगावाट। कैन यू इमेजिन 8-9,000 ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट। उसी वजह से GDP बढ़ गया। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज वाटर, राइट? हर घर जल इज द स्कीम विच इज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, एंड नाउ बुंदेलखंड रीजन पूरा ख़त्म, पूरा मतलब कारपेट बॉम्बिंग हो गया है पूरा। उसमें जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड कितने पुराने हैं पता है वो? 50 इयर्स से चल रहे हैं, 40 इयर्स से चल रहे हैं वो, जो कभी कांग्रेस गवर्नमेंट में स्टार्ट हुए थे। कांग्रेस तो मतलब आप 30 ईयर्स से तो वो पावर में नहीं है, उन्होंने स्टार्ट करे थे वो, आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे करे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज KTR जी टॉकिंग। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो तीनों पॉइंट इतने, मतलब आई डोंट नो वेयर फ्रॉम, कहाँ से हैं आप, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग। मतलब वो शायद दिल्ली तो, लखनऊ तो, मतलब वो गोरखपुर ऊपर तो दूर, वो लखनऊ भी नहीं गए शायद। आई डाउट KTR जी हैज एवर ट्रैवल टू लखनऊ, राइट? सो ये तो मतलब ऐसा है ना कि मैं जैसे वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले न्यूयॉर्क में बैठे बैठे यूपी। नाउ TRS इज सपोर्टिंग अखिलेश, नो? इवन उनका KCR का फ्लेक्सिस भी उधर ही है ना। हो सकता है, हो सकता है उनको लग रहा होगा ना। आई थिंक फ्रॉम एवरी इलेक्शन, जब ममता जी का इलेक्शन आता है तो दे ट्राई टू मेक ए ग्रैंड अलायंस, राइट? जब वो कुमार स्वामी ने शपथ लिया, दे ऑल केम एंड मेक ए ग्रैंड अलायंस। सो दे कीप मेकिंग ग्रैंड अलायंस एवरी डे। दे कभी वो इसके साथ हो जाते हैं, कभी इसके साथ हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ट्वीट वाज नॉट ऑफ हिज नेचर। आई वांटेड टू से दैट्स व्हाई आई सेड आई एम द सिटी, आई कैन एजुकेट यू बेटर, एंड यू कैन स्टिल जज, रीड माई बुक, काउंटर मी, but don't make the troller kind of tweet. That doesn't suit his stature. So that was my comment to him, ki don't be a troll.